देश के वैज्ञानिक ओए बढ़वे ओए उग्रवादी कठवे ये मुल्ला आतंकवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। नई संसद से माननीय की सड़क छाप टपोरियों वाली भाषा। बीजेपी सांसद ने कर दी शर्मनाक हरकत। विपक्ष हुआ हमलावर, शुरू कर दी भाजपा की घेराबंदी। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि संसद में सांसद अपनी मर्यादा को लांघने में भी जरा सा नहीं हिचकते हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद की गरिमा और सीमाओं को लांघते हुए बसपा सांसद के लिए सड़क छाप टपोरियों वाली जिस भाषा का प्रयोग किया है वह बेहद शर्मनाक है। बावजूद इसके हद तो तब पार हो गई जब यह बात सुनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन मुस्कुराते दिखे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी के मामले में नाराजगी जताई, साथ ही रमेश बिधूड़ी को कड़ी चेतावनी भी दी कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। ओए ओए उग्रवादी, ए उग्रवादी, बीच में मत बोलना, ए आतंकवादी, उग्रवादी है ये मुल्ला आतंकवादी है, इसकी बात नोट करते रहना, अभी बाहर देखूंगा इस मुल्ले को। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात को जरूर सुनना चाहिए कि संसद में उनके सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि क्या भाजपा आलाकमान इस भाषा को लेकर सांसद बिधूड़ी पर कोई सख्त रुख अपनाएगी या फिर इसे इग्नोर करेगी। रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, पीएम मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहां लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने रमेश बिधूड़ी को पार्टी से निकालने की मांग की है। टीएमसी सांसद महुआ मोइंडा ने ट्विटर पर लिखा, मुसलमानों ओबीसी को गाली देना भाजपा की संस्कृति का अभिन्न अंग है, ज्यादातर को इसमें गलत नहीं दिखता। उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा, इसने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है कि वे मुस्करा कर सब कुछ सह लेते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने भी रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग की है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि मैं बिधूड़ी जी को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस तरीके की जुबान को सह कौन दे रहा है। मैं दुखी जरूर हूँ लेकिन इस बात को लेकर के आश्चर्य नहीं हो रहा है। इस प्रकरण को ऐसे समझ सकते हैं कि एक सांसद अपने दूसरे सांसद को किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।